वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव और मैं एक पाकिस्तानी। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो मेरी फेवरेट फूड स्ट्रीट रेसिपी के ऊपर है। वो एक किस्म का फ्रूट नहीं है लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग एक स्ट्रीट फूड भी है, लेकिन वो ज़्यादातर मुझे आज पता लगा कि वो तो सैंड पे भी बन जाता है, वरना मैं बात कर रहा हूँ फ्रियम्स की। कलरफुल फ्रियम्स होते हैं जो कि हम घरों में बैठ के तल के कढ़ाई के अंदर ऑयल के साथ तल के हम खाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसके अंदर कलरफुल फ्रियम्स जो है वो सैंड के अंदर बन रहे हैं, जो कि एक स्ट्रीट कार्ट वेंडर है जो कि बना रहा है, और ये एक अमेजिंग इंडिया की स्ट्रीट फूड है इस वक्त। मुझे आज तक नहीं पता था कि ये वाकई ही सैंड के ऊपर भी बनते हैं। ये जो वीडियो है ये वीडियो हमारे तक पहुँचाई है जो यूट्यूबर है इंडियन फेमस स्ट्रीट फूड के हवाले से, वो है एमची मुंबई। इन्होंने ये वीडियो अपलोड की है और इनके वीडियो का टाइटल है स्ट्रीट कार्ट वेंडर मेकिंग कलरफुल फ्रियम्स इन सैंड अमेजिंग स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। तो आइए ये वीडियो हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। Wow, amazing! First time I saw this unique films in making sand. Amazing! Wow! Yuvraj bhai, films wale. ये सैंड डाल दी गई है, सैंड को लकड़ियों की आग के ऊपर गर्म किया जा रहा है। ये तो पाकिस्तान में भी सैंड में होता था, मूंगफली और ये बाकी चने वगैरह ये सैंड के ऊपर गर्म करके खाए जाते थे, लेकिन फ्रियम्स अभी तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा और ये एक किस्म का यूनिक आइडिया है। Amazing. रिंग्स की शेप में फ्रेम्स ये मिक्स करके Thank you.
सीन अब ये कमाल के होने लगे। And this is ready. This is so relaxing video to say this. काफ़ी शेप्स की डिफरेंट चीज़ें हैं फ्रेम्स में। फ्रेम्स में बेसिकली काफ़ी किस्म की शेप्स आती हैं। और ये थे मेरे फेवरेट कलरफुल फ्रेम्स जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखे सैंड के अंदर बनते हुए। आज तक पाकिस्तान में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं, बच्चों की फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादातर घरों में तल के ऑयल के अंदर कढ़ाई में तल के तैयार होते हैं, यानी कि ऑयल बीच में कढ़ाई में डाला, गर्म किया और ये फ्रेम्स ऑयल के अंदर डाल दिए और कुछ सेकंड्स के अंदर ही, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, ये फूल जाते हैं और हम निकाल लेते हैं, ऑयल को निचोड़ लेते हैं और मसाला डाल के खाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मैं खुद बहुत शौक से अभी तक खाता हूँ मैं, लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें हेल्दी है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। ऑयल खा खा के आजकल वैसे ही गर्मी बहुत है, गर्मियों के सीज़न है, तो ऑयल अनहेल्दी होता है क्योंकि छोटी सी ये फिरम्स होती है और बीच में ऑयल इतना ज़्यादा नचोर रहा होता है। अगर ज़्यादा कोई ऑयल नचोरेगा नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल उसके साथ लगा था, क्योंकि बीच में पूरा डिप हुआ होता है फ्रेम ऑयल के अंदर और वहाँ से कढ़ाई से निकाला जाता है, तो वो ज़रा अनहेल्दी होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन ये जो स्टैंड के अंदर बन रही है ये डिफरेंट चीज़ है, ये आज तक पाकिस्तान मैंने नहीं देखी, तो आई मस्ट ट्राई दिस। और मैं किसी न किसी एक कार्ड वेंडर को मशवरा भी दूंगा कि ये बनाए, डेफिनेटली ये सेल होगी, बूस्ट मिलेगा उसके बिजनेस को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्ड वेंडर्स हैं जो कि मूँगफली सिर्फ सेल कर रहे होते हैं, वो भी सर्दियों में, तो एक ये भी आइटम उनके साथ अजाफी आ जाएगी जो कि उनके बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा, जो कि उनका स्मॉल बिजनेस चल रहा होता है। तो काफ़ी अच्छा आइडिया था, यूनिक आइडिया था, इस वीडियो से मुझे मिला है। और एक हेल्दी रेसिपी भी बनती है फ्रेम्स के अंदर, क्योंकि फ्रेम्स बहुत खुद एक टेस्टी रेसिपी है और एक स्ट्रीट फूड इंडिया का है, तो ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान में ये होम
डिश के तौर पर, होम रेसिपी के तौर पर तैयार होती है। तो काफ़ी मैंने इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया मुझे ये वीडियो देख के। इसके अलावा जाने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू, तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर